गाइस सारे काम करके क्लियर हो चुके हैं, तो आप सोचिए कि ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। जिस कटोरी में मैं चाय डाल रही हूँ उसको असम में काहोर बाटी कहते हैं, और आज मेरे ब्रेकफास्ट में है लाल चाय केले के साथ। सो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब निकलते हैं गांव के लिए और आपसे मिलते हैं सीधा गांव में। इन दिनों रोज सुबह बारिश दे रही है, इसलिए काफी ज्यादा पानी भर गया है। Hey guys, welcome to my channel and welcome to my vlog. तो मैं आज आपको गांव का लाइफस्टाइल दिखाने वाली हूँ, तो इस व्लॉग में बने रहिए और होप करती हूँ कि आपको ये देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस गेटअप को कर लेते हैं चेंज। तो मैं आ गई हूँ एकदम गांव के गेटअप पे, तो अभी चलते हैं अंदर। तो यह है गोबर और मेरा पहला काम यह है कि मिट्टी और गोबर का लेप बनाना। सो ये है मेरी प्यारी भाभी जो छोटू पिगलेट को ढूंढ रही है जो कि गलती से खुल गया है। कुछ महीनों पहले तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश देने के कारण भाभी के घर की छत उड़ गई थी, तो भाभी मेरे आने से पहले वही काम कर रही थी। दीवार लगाने के बाद मिट्टी और गोबर का लेप लगा रही थी, और मेरा वीडियो अगर भाभी बनाएगी तो भाभी का काम तो रुक जाएगा। तो सोचा कि थोड़ी सी भाभी की मदद कर दूँ, और मैं बिजी हो गई हूँ इसकी लिपाई में, पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये वाली ही वॉल करूँगी। सो गाइस ये मैंने पूरी जितनी भी आपको वॉल दिख रही है ना कंप्लीट कर चुकी है। हम लोग जो शहर में रहते हैं ना, हम लोग तो पक्के घर में रहते हैं, हमने कभी ऐसे कच्चे घर में फेस नहीं किया है कि क्या क्या काम निकलते हैं। जब बारिश के दिन आते हैं तो ऊपर फिर से ऐसे लिपाई पुताई की जाती है। हालांकि इसमें मुश्किलें बहुत ज़्यादा होती है, बट इसमें से जो गलती है ना वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो कभी कभी ऐसी भी दिनचर्या में हमें आ जाना चाहिए। तो यही मैंने आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या इनको काम करना पड़ता है, इसीलिए मैंने ये किया। सो आज लंच में है फिश। मैं जब भी गांव आती हूँ ना मुझे बहुत प्यार मिलता है, कोई भी ना मुझे काम करने नहीं देता। जैसे कि अभी देख लीजिए, भाभी मछली धो रही है, मुझे नहीं धोने को दे रही है, पर मैं तो मैं ही हूँ, जैसे भी हो काम निकाल ही लेती हूँ। भाभी ने लगा दिया है नमक और मिर्च, अब है मेरी बारी, मैं इसको फ्राई करूंगी। भाभी फिश करी के लिए टमाटर और आलू काट रही है, और इस तरफ मेरी फिश फ्राई हो चुकी है। भैया और भाभी का एक बेटा भी है जिनके साथ रिचू खेल रहा था, तो दोनों थक के आ चुके हैं, तो हमने उनको फिश फ्राई परोस दिया। तो यहाँ मैं लहसुन और अदरक की पिटाई कर रही हूँ। अरे अरे मजाक कर रही हूँ, मतलब लहसुन और अदरक कूट रही हूँ। काम के साथ साथ हमारी बातचीत भी जारी है, तो हमारा लंच बन के रेडी हो चुका है, और आज मुझे लंच स्पेशली दिया गया है केले के पत्ते में, और साथ ही साथ केले का ये तना पोमेलो रोबाप तेंगा असामिस में कहते हैं ले जाने को दिया है। इसी दौरान हस्बैंड को कुछ काम आ गया, तो हमें जाना पड़ेगा घर, और इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं डिमो में। तो कल हम लोग किसी काम से जल्दी हम लोग गांव से आ गए थे, तो वो ब्लॉग को मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ, और आज भी मैंने अपना ट्रेडिशनल लुक जारी रखा है। आज लंच में बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। आज बनाई जा रही है कद्दू की सब्जी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, कढ़ाई को गरम कर उसमें तेल डाले, उसमें पांच फोरन न डालना भूले क्योंकि उससे उसका टेस्ट बढ़ जाता है। प्याज डाले, प्याज उसको थोड़ा सा पकने दे, फिर उसमें डाले टमाटर, पर ध्यान रहे थोड़ा हाथ बचा के। सोयाबीन को बॉईल कर जो अलग रखा है उसको अभी डाल दे, 3 से 4 मिनट रखे ताकि उसमें नमक घुस सके। धीरे से आलू, और लास्ट में हाँ कद्दू को डालना ना भूले जो कि इसका मेन हीरो है। फिर उसके बाद उसको ढक दे। कहीं मत जाइए, जब तक हमारी सब्जी बन रही है तब तक हम परवल आलू और करेले में लगा लेते हैं नमक हल्दी का पाउडर, कुछ इस तरह जैसे कि गर्मियों के दिनों में डर्मिकुल पाउडर लगाते हैं, और फिर झोंक देना है खौलते हुए तेल में। जब तक हो रही है सब्जी फ्राई तब तक आप इस घंटी को बजा के मुझे कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। बातों ही बातों में हमारी परवल हो गई फ्राइड, अब बारी है करेलो। वाओ, कद्दू की सब्जी बन के रेडी है, और साथ ही साथ करेले भी हो गए हैं।
और अब बारी है इस केले के तने की, जिसको हम चकना चूर करने वाले, मतलब छोटे छोटे कूटने वाले। इस ग्लास ने तो कमाल कर दिया, कितने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए यार। आप भी ये जरूर ट्राई कीजिए। अब आ जाते हैं गैस की ओर, और आप सोच रहे होंगे कि इसको बनाना किसके साथ है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, इसका बनाना है दाल, इसलिए मैंने इसको बनाया है कुकर में। इसमें आप अपने अनुसार मसाले डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें नमक, हल्दी और काली मिर्ची डाला है। फिर इसमें पानी डाल दे और इसको सीटी लगने दे। जब तक हमारे कुकर नहीं मारता है सीटी, हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की ओर, जो बनने वाली है कद्दू के बीजों से। उसके लिए आपको लहसुन और टमाटर के छिलकों को गैस की स्टोव में जला लेना है, जिससे काफी अच्छी स्मेल आती है। लहसुन टमाटर हो चुके हैं, अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की ओर। इसके लिए मैंने तवा बिठा दिया है। अब बिना तेल के कद्दू के बीजों को इसमें सेकना है। कुकर ने मार दी है सीटी, अब उसको करते हैं बंद। और देखिए ना, कितने अच्छे से ये कद्दू का बीज घूम रहा है, आया ना मजा देख के। बट इसको जलने नहीं देना है, अब इसको बिठाना है मिक्सी के बर्तन के अंदर, और उसके साथ ही जाएगा लहसुन, अदरक, टमाटर, और हाँ मिर्च डालना ना भूले, इसे मेरा बेटा खाएगा तो मैंने नहीं डाला। और स्वाद अनुसार इसी समय नमक भी डाल दे। तो हमारी चटनी बनके रेडी है, अब करते हैं प्लेटिंग। हमारी वेज थाली रेडी हो चुकी है खाने को, अब खाने में टूट पड़ना है बस। डिलीशियस। शाम के 5:30, मैं जला रही हूँ धूना, और इस ब्लॉग को करते हैं इधर ही समाप्त। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगने से लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।